गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, उसका बड़ा सा न्यूज है। बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि कहानियाँ जो है ये क्लास में हम बताते हैं, और यहाँ भी उम्मीद है कि हम बताए होंगे। फिर भी मेन मेन बात को टच कर लेते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ये मंदिर मस्जिद का जो झमेला है, कहानी क्या है और क्या हो सकता है वो सब देखते हैं हम लोग। कहानी ये है कि प्रोबेबली उस बात को भी हटा देते हैं, कहा ये जाता है कि अयोध्या में बाबर के आने के बाद उसका एक कमांडर था, उसका नाम था मीर वकी। मीर वकी अयोध्या में एक मस्जिद बनवाया जो एक ग्रुप ऐसा बोलता है कि वो मस्जिद जो था वहां पर पहले एक मंदिर था। और राम का जन्म स्थान को लेकर के कोई भी एग्रीमेंट अगर बोला जाए तो किसी भी कम्युनिटी मतलब सेक्ट्स में नहीं है इंडिया में, ये डिस्प्यूटेबल है। अयोध्या में हुआ था यहाँ तक एग्रीमेंट है, लेकिन एग्जैक्ट स्पॉट क्या है या इसको लेकर के एग्रीमेंट नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में गांधी जी को अयोध्या गए थे तो उनको जो जगह दिखाया गया था वो अलग जगह था। और एक ट्रेडिशन ये भी है कि मस्जिद के ठीक बाहर में एक चबूतरा था, उस चबूतरा को भी बोला जाता था कि ये राम का जन्म स्थान है। तो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, इसको लेकर के भी ऑलमोस्ट एग्रीमेंट है। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर तोड़ने के ठीक बाद या कोई भी और स्ट्रक्चर, कुछ लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट कोई स्ट्रक्चर था, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एग्जैक्ट वो जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया था, या स्ट्रक्चर पहले था और बाद में 100-200 साल बाद मस्जिद बन गया, ये सब चीज़ जो है वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। खैर जो भी हो, मुद्दा ये था कि 49 में उस जगह पर मस्जिद के अंदर में मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, उसको चोरी छिपे उस मूर्ति को रख दिया गया। तो यहां से ये डिस्प्यूट का शुरुआत होता है मस्जिद में मूर्ति रखने के साथ में। बाद में वहां पर पूजा करेंगे इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद एक मुद्दा बना ली। 88-89 का बात है, 89 का, कि शाहबानों का केस में जो फैसला था वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का शाहबानों के फेवर में गया था, और जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, कट्टरपंथी मुस्लिम कम्युनिटी, अक्सर ये लोग कोई भी हिंदू कट्टरपंथी हो या मुस्लिम कट्टरपंथी हो,
ये लोग जो होते हैं, ये लोग अक्सर सारा का सारा कम्युनिटी के तरफ से बोलने का अधिकार अपना मर्जी से ले लेते हैं, और जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं होगा, मुस्लिमों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खैर, साहबानों के केस में बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ। राजीव गांधी झुक गए और झुक करके जो कानून था उस कानून में चेंज कर दिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो नेगेट हो गया, वो कैंसिल हो गया। अब इस बात को बीजेपी वाले बिल्कुल पकड़ लिया। 84 में, 1984, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। मर्डर के बाद इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में बीजेपी वाज राउटेड, मतलब बिल्कुल खत्म ही जैसी हो गई। 2 सीट मिले थे केवल एमपी इलेक्शन, लोकसभा में 2 सीट, केवल 2 सीट। यहां से बीजेपी को लगा कि कोई हम लोगों को एक इमोटिव इशू चाहिए, जिससे कि जनता को, हिंदुओं को जोड़ा जा सके, और ये लोग जो विश्व हिंदू परिषद जो मुद्दा को ली थी उसको फिर सपोर्ट करना शुरू किए, उसको वे मुद्दा बने। और मुद्दा बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये बन गया मुद्दा 84 के बाद से। 84 में लोग बुरी तरह से हारे थे, साहबानों में लोगों को अच्छा खासा मुद्दा मिल गया हिंदुओं को भड़काने का, कि मुस्लिमों का अपीजमेंट किया जा रहा है, तुष्टिकरण किया जा रहा है। राजीव गांधी को लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए हिंदुओं को नाराज कर दिए, हालांकि हिंदुओं के अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ था, बट मुस्लिम तुष्टिकरण बोल करके एक नारा ऐसा दिया गया। तो बीएचपी का जो डिमांड था कि हम लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर में पूजा करेंगे, उसको ये मान लिए और वहां पे ताला खुलवा दिए, और यहां से एक नया, मतलब 89 का ये बात होना चाहिए, ये नया सिस्टम शुरू हो गया, पूजा शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि कल ही हम लोग पढ़ रहे थे कि अच्छा, राजीव गांधी जो ये सब काम किए, साहबानों केस या फिर वो पूजा के लिए ओपन कराना, इसके अलावा भी कई सारा उनका काम था, जैसे बफोर्स स्कैंडल। बफोर्स में सीधे सीधे प्रधानमंत्री की फैमिली पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री का फैमिली ही इसमें करप्शन किया है। तो ये जो सारी की सारी बातें थी, ये राजीव गांधी घिर गए थे। और दो तरफ से अटैक हुआ, एक अटैक तो बीजेपी वाले की आडवाणी, मुस्लिम तुष्टिकरण का बात उठा करके, जब इलेक्शन आ रहे थे, 89 में इलेक्शन हुआ था, तो 89 के इलेक्शन में मुद्दा बना, ये मुद्दा बना मुस्लिम तुष्टिकरण, मंदिर मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये मुद्दा जो है बीजेपी का तरफ से, जो इसके केवल, याद कीजिए कि 84 में 2 एमपी थे केवल, केवल 2 एमपी, लेकिन ये जबरदस्त मुद्दा बनाए, और जबरदस्त मुद्दा बना करके ये राजीव गांधी पर अटैक, मतलब पॉलिटिकल अटैक, ये शुरू हो गया इलेक्शन के ठीक ठीक पहले पहले। तो एक तरफ में जो उग्र हिंदू संगठन है या लोग है, वो लोग राजीव गांधी या फिर बीजेपी की तरफ हम मुड़ने लगे, क्योंकि एक इमोटिव इशू, मंदिर वही बनाएंगे, ये इमोटिव इशू एक। दूसरी तरफ में क्या हुआ कि वीपी सिंह बफोर्स को लेकर के जबरदस्त अटैक किए राजीव गांधी की सरकार पर। तो इलेक्शन से ठीक पहले ये सब अटैक्स चल रहे थे, एक तो हिंदूवादी अटैक चल रहा था और एंटी करप्शन भी अटैक चल रहा था। वीपी सिंह पहले राजीव गांधी के मिनिस्टर ही थे। खैर, अब ये हुआ तो इसका रिजल्ट आया, राजीव गांधी यानी कांग्रेस हार गई इलेक्शन में। बीजेपी का सीट जो था 2 सीट से बढ़ के सीधा 84 या 89 सीट के आसपास पहुंच गया, सीधा बड़ा जंप मारे लोग, यानी कि स्वाद चखे
जीत का, सफलता का, किस मुद्दे पे? तो मेन मुद्दा था मंदिर, मेन मुद्दा मंदिर ही था। हिंदूवाद, मुस्लिम तुष्टिकरण, मतलब जो पोलराइज करने वाला है उससे इन लोगों का सीट बढ़ गया था। दूसरी तरफ वीपी सिंह भी जनता दल की तरफ से प्रचार किए थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट से गए और उसके जगह में आए वीपी सिंह। तो वीपी सिंह का जो पार्टी था जनता दल, जनता दल को पूरा फुल मेजोरिटी नहीं था, वो बीजेपी का सपोर्ट से सरकार चला रही थी। मतलब वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के सपोर्ट पर टिकी हुई थी, अगर सपोर्ट हटा लिया जाता तो वीपी सिंह की सरकार गिर जाती। खैर, राजीव गांधी को हटाना था तो ये लोग आपस में मिलजुल किए थे, बता ही दिए। बीजेपी का सीट काफ़ी आया था और इसके पीछे रीज़न आडवाणी है। हम लोग जो कल पढ़ रहे थे उससे कनेक्ट कीजिए। वीपी सिंह अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए चाल खेले और वो चाल था मंडल कमीशन। पता था कि 50% से ज़्यादा इंडिया में ओबीसी है, तो ओबीसी वोट के लिए वो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किए। 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को दिए। तो इससे क्या हुआ, जो फॉरवर्ड कास्ट है वो वीपी सिंह के विरोध में उतरे। देश भर में जबरदस्त आंदोलन चला, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट था, कम ही लोग थे शामिल, नॉट मोर देन 15% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो इससे अफेक्टेड हुआ था, लेकिन जबरदस्त आंदोलन हुआ क्योंकि ये ग्रुप जो था ये वोकल ग्रुप था, पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप था। तो ये जो आंदोलन किए उससे ओबीसी पोलराइज हुए और ओबीसी जो हुए उनका वोटिंग पैटर्न बदल गया, यानी कि वो एक आइडेंटिटी उनका एक फिक्स हुआ, वी आर ओबीसीज। ओबीसी अगर अलग वोट करेंगे तो फायदा किसको मिलेगा, उस पार्टी को मिलेगा जो जातिवादी पॉलिटिक्स करती है, जैसे फिलहाल के लिए वीपी सिंह को आप मान लीजिए, या उस समय के फेमस लीडर लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बीजेपी को लगा कि बड़ा मुश्किल से 84 से लेकर के 89 तक बहुत मेहनत करके 80 सीट पार कर गए, तो वीपी सिंह तो सारा का सारा हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसको खा जाएंगे, हिंदू डिवाइड हो जाएगा ओबीसी में या जाति के नाम पर, तो हमें वोट कौन देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी था, प्रॉब्लम ये था कि अगर बीजेपी वीपी सिंह से समर्थन वापस ले लेती, अगर वापस ले लेती इस मुद्दा पे, मंडल के मुद्दा पर, तो फिर ओबीसी का वोट गया, यानी हिंदू वोट, बड़ा हिंदू वोट जाएगा, ये तो ये वापस भी नहीं ले सकते हैं। प्रॉब्लम तो ये बड़ा, वीपी सिंह बड़ा चक्कर में डाल दिए थे कि तेरा वोट बैंक को हम काट भी दिए और तुम हमको कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि करोगे तो तेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो आडवाणी इसको चैलेंज के रूप में लिए और सोमनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या का रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा क्या था, टोयोटा का गाड़ी था, मतलब रियलिटी में रथ वगैरह कुछ नहीं था, टोयोटा का गाड़ी था, टोयोटा का गाड़ी था और उसको रथ का रूप दिया गया था। सोमनाथ से निकले और ऐसा कुछ इस तरह का चक्कर मार करके उनको जाना था अयोध्या। अब ये जो है, अयोध्या से जब रथ बढ़ा तो बड़ा फ्रेंजी हुआ, यानी हिंदू वाद जो था फिर से, जो मंडल के कारण जो नुकसान हुआ था वो नुकसान खत्म होने लगा और हिंदूवाद फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन खैर, ये रथ अयोध्या नहीं पहुंच पाया, उसके पहले लालू प्रसाद यादव बिहार में ही रथ को रोक लिए। इसके बाद एक बहाना बना करके बीजेपी वाले वीपी सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिए, सरकार गिर गई, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, खैर ये सब हुआ। और उसके बाद नरसिम्हा राव, अगला बार फिर इलेक्शन हुआ, अगला इलेक्शन जो हुआ उस इलेक्शन में 91 का बात होना चाहिए, 91 में कांग्रेस फिर जीत गई और नरसिम्हा राव बन गए पीएम।
और यहां पर क्या हुआ कि वीएचपी और बीजेपी वाले बिल्कुल डिस्टेबलाइज करने के लिए सरकार को या अपना फायदा के लिए, पॉलिटिकल फायदा के लिए, जो भी आप उसको समझ लीजिए, वो क्या किए, वो फिर कार सेवा शुरू किए, यानी कि हम लोग वहाँ जाएंगे, पूजा करेंगे, रस्म रिवाज करेंगे, जो भी है। 92 में वहाँ पर लोग पहुँचे और पहुँच करके और वादा करने के बावजूद कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, वहाँ पर लाखों लोगों का भीड़ जुटा। बीजेपी की सरकार यूपी में भी थी, कल्याण सिंह थे वहाँ पे, और इस मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिद गिराने के बाद कांग्रेस सरकार, अब चूंकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये लोग जहां जहां पे बीजेपी की सरकार थी सबको बर्खास्त कर दी। अब मस्जिद तो गिर गया, अब मस्जिद गिरने के बाद अब वहां पर मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि मंदिर बनाया जाएगा। तो खैर, यहाँ पर सरकार एक कानून लाती है, और सरकार कानून लाने के कानून लाती है कि 47 में जो स्ट्रक्चर जैसे थे, वो स्ट्रक्चर अयोध्या को छोड़ करके वो स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सरकार को डर था कि अगर अयोध्या में मंदिर बन जाता है तो इसके बाद काशी में और मथुरा में भी यही डिमांड किया जाएगा। तो ये डिमांड जो है ऑलमोस्ट नेवर एंडिंग डिमांड है। तो सरकार एक कानून लाई थी, वो कानून से वो बाकी जगहों को प्रोटेक्ट करती अयोध्या को छोड़ करके। तो फिलहाल जो हालत ये है कि बाकी जगहों पे कानून के हिसाब से बात कर रहे हैं, कानून के हिसाब से बाकी जगहों पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अपने ये जो नया वाला जजमेंट उसमें बोली भी है। खैर, बात ये है कि आगे देखते हैं क्या होता है। अगर क्लेम का बात करें तो अयोध्या से ज़्यादा सॉलिड क्लेम जो है वो काशी और मथुरा में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पक्का नहीं है कि अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, ये बहुत श्योर कोई भी नहीं है। लेकिन काशी में और मथुरा में मंदिर को तोड़ करके बनाया गया, उसके एविडेंस हजारों मिल जाएंगे। तो ये जो है ये मुद्दा जो है ये आगे बढ़ेगा। खैर, टूटने के बाद केस हुआ, केस होने के बाद हाईकोर्ट में गया। अब हाईकोर्ट में गया इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका तीन हिस्सा की इक्वल, इसमें एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला, एक रामलला विराजमान और एक निर्मोही अखाड़ा को मिला। कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और आपको पता है 5 जज बेंच जो है ये फैसला दिया कि वहाँ पर मंदिर का ट्रस्ट बने और वो मंदिर वहाँ पर बनेगा और मस्जिद के लिए अलग से जमीन दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट का साथ में फैसला था कि मंदिर जो तोड़ने वाले लोग हैं उन पर केस चलेगा, वो क्राइम अपना जगह में है। तो ये हम शॉर्ट में कहानी सुना दिए। भूमि पूजन हुआ, प्रधानमंत्री गए, और उससे कई सारे इशूज है। सोमनाथ में जब मंदिर का रिनोवेशन हो रहा था तो प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, केएम मुंशी जाना चाहते थे, नेहरू डिसअप्रूवल में थे। वो उनका कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस तरह के धार्मिक समारोह में नहीं शामिल होना चाहिए। तो खैर, नेहरू का कौन पूछता है अभी। तो बाकी आप लोग पढ़िएगा एक रीडिंग के लिए, वैसा कुछ आपको इसमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक कहानी के तौर पे इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, वो छोड़ दिए बात, कौन लोग बना रहे हैं, इस आर्किटेक्ट कौन है मंदिर के, तो ये सोमपुरा फैमिली है। अब ये सब आप याद रख सकते हैं। ये लोग सोमनाथ का भी रिनोवेशन किए थे, और इंडिया और बाहर मिला जला के करीब करीब 200 टेंपल ये लोग बना चुके हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है टेंपल बनाने का ये लार्सन एंड टुब्रो को मिला हुआ है।
बाकी कुछ कुछ डेटा है वो सब तो आपको याद रखना ही चाहिए कि मंदिर के पार्ट्स होते हैं सब, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। चौकी, नृत्य मंडप, गुड़ मंडप, गर्भगृह, और इसमें बलुआ पत्थर सैंडस्टोन है वो का जो यूज होगा वो राजस्थान का बांसी पहाड़ पूर्व से आ रहा है। ये जो टेंपल बनेगा वो नागर स्टाइल में बनेगा, दैट इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पता नहीं है लेकिन चर्चा हुआ है कि बोला ये जा रहा था कि जो मंदिर बनेगा उसके नीचे में टाइम कैप्सूल दिया जाएगा। टाइम कैप्सूल क्या है? टाइम कैप्सूल में हिस्टोरिकल मटेरियल्स होते हैं, यानी कि कुछ पेपर्स होंगे जिसमें कुछ हिस्ट्री लिखा रहेगा इस जगह का, पेन ड्राइव हो सकते हैं, डीवीडी हो सकता है, और भी मटेरियल्स जो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो वहाँ पे दबा दिया जाता है ताकि फ्यूचर में खुदाई हो तो वो टाइम कैप्सूल से लोग जान सके उस जगह का हिस्ट्री। तो बात हो रहा था कि टाइम कैप्सूल इसमें रहेगा लेकिन उसका खंडन भी हुआ। हम लोग को पता नहीं है कि टाइम कैप्सूल रियलिटी में लोग वहाँ डाले कि नहीं डाले, लेकिन टाइम कैप्सूल क्या है हम बता दिए। टाइम कैप्सूल में हिस्टोरिकल मटेरियल रहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। हालांकि ये जो था ये 20th सेंचुरी में ये टर्म को कॉइन किया गया है, लेकिन 1777 से ही ये, जैसे एक स्पेन में एक जगह है वहाँ पर जीसस क्रिस्ट का स्टेचू के नीचे में एक टाइम कैप्सूल मिला था डाला, हाँ मिला था, यानी कि उसमें कुछ हिस्ट्री के मटेरियल जो थे उसमें डाले गए थे। तो ऐसे करीब करीब 10 से 15 हज़ार ऐसे जगह है जहाँ पर टाइम कैप्सूल्स हैं। इंडिया में हाल में अगर बात करें तो लाल किला के नीचे इंदिरा गांधी एक टाइम कैप्सूल डलवाई थी। बहुत विरोध हुआ उस समय में टाइम कैप्सूल का, क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि टाइम कैप्सूल किसी को दिखाया नहीं, खाली अपना खानदान का बारे में इसमें लिखवा करके डाल दी है कि उनका कंट्रीब्यूशन को लेकर के। तो फिर जनता पार्टी की जब सरकार है 77 में तो टाइम कैप्सूल को खोद करके बाहर निकाल ली, लेकिन फिर वो ये नहीं बताई इस टाइम कैप्सूल में क्या था। ठीक, अब इसे गेस कर सकते हैं, नहीं बताई तो इसका मतलब था कि उसमें केवल उनका परिवार का हिस्ट्री नहीं रहा होगा जिसको ये लोग आरोप लगा रहे थे। तो खैर, तो उसको वो निकाल लिया गया। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्टोरियंस का कहना है कि टाइम कैप्सूल वगैरह जो है ये नहीं डालना चाहिए, इसमें परवर्टेड हिस्ट्री रहता है। यानी कि जो टाइम कैप्सूल डलवाते हैं वो टाइम कैप्सूल डलवाने वाले अपने हिसाब से अपना प्रशंसा का टाइम कैप्सूल डलवा देते। तो हिस्टोरियन बोलते हैं जब भी कोई टाइम कैप्सूल मिलता है तो जो उस समय के हिस्टोरियंस होते हैं उस पर भरोसा नहीं करते हैं, वो उस मटेरियल को और भी मटेरियल से विंडिकेट कराते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कराते हैं ताकि वो क्लियर हो सके कि इसमें कुछ झूठ बात तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसका विरोध भी लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में एक जबरदस्त यूपी तो इसके लिए फेमस ही हो गया है कि हर चीज का जो है नाम बदल दिया जाए। एक मिनट, तो नाम बदलने का जो परंपरा है वो अभी डिमांड शुरू हो गया है। विजय गोयल यूनियन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में एक बाबर रोड है, बाबर रोड को का नाम बदल दिया जाए क्योंकि वो आक्रमण किया था और डेमोलिश राम मंदिर। तो इसमें एक आर्टिकल है जिसमें रोड को कैसे चेंज किया जाता है उस पे है, और अब तक कौन कौन से रोड का नाम चेंज हो चुका है और कितने खर्चे होते हैं उसके बारे में, कैसे खर्च कैसे होता है। काफ़ी खर्चीला प्रोजेक्ट है, हर जगह से नाम हटाना आसान नहीं होता है। तो उसके बारे में कुछ कुछ इसमें डेटा है, आप लोग पढ़ के समझ जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कुछ कवर करते हैं जो
एनिमेस हमको बोला था कि कवर कीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसका है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एससी एसटी में क्यों नहीं है। देखिए, एससी एसटी और ओबीसी में फ़र्क है। ओबीसी में कई फैमिलियां जो है, कई सारी फैमिलियां वो जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज से बाहर वो निकल चुकी हैं सोशली एंड एजुकेशनली। लेकिन अगर एससी और एसटी का बात करें, खास करके अगर आप एसटी का पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो ये प्रोसेस बहुत बहुत कम हुआ है। और अगर हम इसमें से क्रीमी लेयर को निकालने का सोचे, तो कैंडिडेट्स मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, सुटेबल कैंडिडेट्स मिलने। तो यहाँ पर ये बहुत मुश्किल है क्रीमी लेयर को हटा देना, बहुत ही मुश्किल है। फ्यूचर में होगा, हो सकता है हो, लेकिन अभी मुश्किल है। दूसरा बात है कि रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट, रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट में वो अपना उनको लगता है कि आज हम फैसला नहीं सुना पाएंगे या अभी ठीक नहीं रहेगा, सोचने का टाइम चाहिए, तो अपना जजमेंट को रिजर्व करते हैं। अब ये इसमें हमारा प्रशांत भूषण ने कई बार रिजर्व कर चुके हैं, कल तो फैसला आने वाला है, तो ये रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि इंडिया में, इंडिया का जो इंडियन सोसाइटी है ये बहुत हद तक फ्यूडल सोसाइटी है। अब ये फ्यूडल सोसाइटी है तो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में काफ़ी भरोसा करते हैं और अजीबोगरीब हरकत होता है। जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी तो सारा यूपी में हाथी ही हाथी बनवा दी थी और अपने खुद का मूर्ति बनवा ली थी। अब मूर्ति से डेवलपमेंट्स तो होते नहीं हैं, लेकिन ये नेता लोग का ये पेंचेंट जो है ये बड़ा खतरनाक है। ये पब्लिक मनी को इस तरह से मूर्तियों पे खर्च करना और लोग भी वोट देते, आश्चर्य की बात है। आप देखिए, यूपी में हाल ये है कि समाजवादी पार्टी और मायावती ये दोनों ही वादा कर रहे हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो परशुराम का बहुत बड़ा मूर्ति बनवाएंगे। अब ये गजब का कंपटीशन है, भगवान पुरुषोत्तम का अगर हम आ गए तो। बीएसपी बहुत बड़ा मूर्ति बनाए, और समाजवादी पार्टी बोलती है, पहले बोली कि हम बनवाएंगे। अब यूपी में क्या है कि ब्राह्मण लोगों का वोट के पीछे सब भाग रहे हैं। ब्राह्मण सार मिनिस्कल्स, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वोट है, बहुत होगा तो 10% होगा, बहुत अगर बहुत बहुत ज्यादा होगा तो। लेकिन वोट के पीछे भाग रहे हैं दोनों, और वोट के पीछे भागने के लिए डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, एजेंडा है मूर्ति बनवा देंगे। ब्राह्मणों का इससे क्या फायदा होगा, वो तो जो वोट देने वाले ब्राह्मण ही समझेंगे कि क्या फायदा होगा। लेकिन हाँ, खेला कैसे जा रहा है, इंडिया में कैसे खेल होते हैं, ये बहुत क्लियर पता चल रहा है। आज एमपी में एक नया बना हुआ पुल बारिश में बह गया। हम लोग, हमारा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, एक महीना पहले वहाँ पर एक पुल बहा जिसका उद्घाटन ही 4-5 महीना पहले हुआ था। तो ये जब वोटिंग होंगे दूसरे काम पर तो ये तो होगा ही होगा। अच्छा, मजेदार बात इसमें और भी है कि ब्राह्मणों को क्यों, ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनको पता है ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण क्यों नाराज है, क्योंकि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, ये भी एक मुद्दा है। मतलब विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया तो ब्राह्मण नाराज है, नाराज होने लगे, ब्राह्मण भी महान है। तो ये जो है ये हमारा पॉलिटिक्स है। वहां पे ये इल्जाम ब्राह्मण लोग लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, जो हमको आर्टिकल से समझ में आता उतना ही हम बोल रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ मोस्ट प्रोबेबली ठाकुर यानी राजपूत जाति से आते होंगे, बिष्ट टाइटल है इनका। तो इसमें बोल रहा है कि ये ठाकुर और ब्राह्मण लोग का संघर्ष हो रहा है वर्चस्व के लिए,
और ठाकुर लोग जो है वो ब्राह्मण लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। खैर, ये पॉलिटिक्स समझाने के लिए इसमें हम डाल दिए थे, आगे बढ़ते हैं। अभी लोग डाकिया से खूब मंगा रहे हैं कैश, मतलब घर से नहीं निकलना पड़े, डाकिया घर में कैश लेकर के आ जाए। उसके लिए क्या है कि पोस्ट इन्फो ऐप है, पोस्ट इन्फो ऐप से आपको पता चल जाएगा कि डाकिया कहाँ है, और आप या आप पोस्ट ऑफिस में कॉल कर दीजिए, तो वो क्या होगा, एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर के आपके घर आ जाएगा और बायोमेट्रिक आपसे करवाएगा और आपको पैसा दे देगा। तो बायोमेट्रिक करवाएगा तो किस अकाउंट से पैसा निकलेगा, जो आपका आधार लिंक्ड अकाउंट होगा उस अकाउंट से आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। एक बार में जो जो डाकिया होता है ये 60-70 हज़ार रुपये लेके निकल रहा है आजकल, और अगर आप उस दिन आप बुला लेते हैं, पैसा है तो मिल जाएगा, नहीं तो अगला दिन ला करके वो दे देगा। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है काफ़ी एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पर ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल फ्लाइट था एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये एयरक्राफ्ट का नाम है बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या है, ये एयर इंडिया का इकोनॉमिकल वर्शन है ये। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो गल्फ से ला रहा था पैसेंजर्स को, हाँ होने को हो सकता है, लेकिन 60-70 हज़ार के लिए इतना कोई रिस्क नहीं लेगा लगता है। अच्छा, तो ये जो है ये कोझीकोड एयरपोर्ट का रनवे पर केरल में ये एक्सीडेंट हुआ इसका, और एयरक्राफ्ट जो है वो दो टुकड़ा में बट गया। तो एक्सीडेंट का रीज़न क्या है वो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, और रीज़न ये है कि जहाँ कहीं भी अंडुलेटिंग सरफेस रहेगा इस तरह से, पहाड़ियाँ है ऐसे, तो किया क्या जाएगा कि पहाड़ को काट दिया जाएगा। सोचिए, चॉप ऑफ, चलिए इसी को करते हैं, इसको काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, और या ये जो होगा ये बन जाएगा रनवे। तो ये रनवे ऐसे भी देखिए आप, इस तरह का रनवे है, तो रनवे जो इसमें बनेगा वो रनवे, अक्सर जो रनवे होता है वो छोटा होता है, जितना टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए जितना डिस्टेंस मिलना चाहिए वो डिस्टेंस बहुत कंजेस्टेड होता है ये, यानी कि एक्सपोर्ट पायलट होना चाहिए जो सही स्पीड में ला करके लैंड कराए, क्योंकि उसको रनवे छोटा सा मिलना है, वो लैंड करेगा और लैंड इस स्पीड में करे ताकि यहाँ आते आते रुक जाए। जो ब्रॉड बॉडी प्लेन्स होती है उसको इस तरह के, जिसको बोलते हैं टेबल टॉप रनवेज, टेबल टॉप रनवेज पर ब्रॉड बॉडी एयरक्राफ्ट को उतरने नहीं देते। क्यों? ब्रॉड बॉडी एक नैरो बॉडीड हो गया एयरक्राफ्ट, और ब्रॉड बॉडी जो होगा वो कुछ इस तरह का। तो ब्रॉड बॉडीड को नहीं उतरने देंगे क्योंकि ब्रॉड बॉडी में ज़्यादा पैसेंजर होंगे, ज़्यादा लोड होगा, तो ज़्यादा लोड होगा तो उसको मोमेंटम होगा उसका, एक उसको रोकने में दिक्कत होगा। तो नैरो बॉडीड जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे उतरते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है एक्सीडेंट का कारण, अच्छा, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा तो यहाँ पर, यहाँ तक तो आप जा सकते हैं, यहाँ के बाद आपको खाई मिलेगा तो इस खाई में आप गिर सकते हैं। तो ये हुआ यही है, ये लैंड किया है और इसको क्रॉस करके ये खाई में 35 फीट
नीचे जाके गिरा है, एयरक्राफ्ट टूट गया है, 18 लोग मर गए हैं, बाकी लोग नहीं मारे। तो अक्सर क्या होता है कि एक्सीडेंट बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट का विंग में और बॉडी बॉडी में टैंक्स होते हैं, उस टैंक्स में एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है। अब ये जो फ्यूल होता है, ये फ्यूल अगर मान लीजिए कि गिरा और टैंक टूट गया, उसमें से लीकेज हो गया और कहीं स्पार्क भी हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत बड़ा आग लग जाएगा और वो एक्सप्लोशन भी होगा। खैर, ये जो कोझीकोड में हुआ है, इस कोझीकोड में आग नहीं लगा, इसीलिए लोग थोड़े कम मरे हैं यहाँ पर। तो हाँ, अब आते हैं रीज़न क्या है। जो एयरक्राफ्ट का कह रहे हैं कि जो स्पीड है, वो स्पीड प्रोबेबली थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, जिस स्पीड से उतरना था उस स्पीड से ज़्यादा रहा होगा। और दूसरी बात है कि बारिश का मौसम था, जो सरफेस होगा, ये सरफेस गीला होगा, तो गीला सरफेस पर जो पायलट होगा वो ब्रेक नहीं मार पा रहा होगा, क्योंकि अगर वो ब्रेक मारेगा तो इसके स्किड करने के चांसेस रहेंगे। तो देखते हैं और क्या कुछ डेटा हो। अगर तो ऐसे कौन कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, कोझीकोड, मैंगलुरु में पहले एक्सीडेंट हो चुका है, लेंगपुई इन मिजोरम, पैक्योंग इन सिक्किम, शिमला, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ये सब टेबल टॉप है। और अगर आप भारत के नेबरहुड में जाएंगे तो पारो भूटान और काठमांडू नेपाल, तो ये सारे के सारे है टेबल टॉप। वाइड बॉडीड जो होते हैं उनको नहीं उतरने दिया जाता। पटना में भी जो रनवे है वो शॉर्ट है, टेबल टॉप नहीं है बट शॉर्ट रनवे है। इसमें आग नहीं लगा, ये अच्छा बात है। हाँ, जब ऐसा होता है कि जो पायलट्स है, ये पायलट्स को ऐसा डर होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि एरोप्लेन को इतना उड़ा देते हैं, मतलब लैंड ही नहीं कराते जल्दी, ताकि फ्यूल जो है वो मिनिमम हो जाए, और मिनिमम होने के बाद ही उसको उतारते हैं। अगर एक्सीडेंट टेक ऑफ के टाइम में हो जाएगा तो एक्सीडेंट बड़े होंगे, क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा है। तो लैंडिंग टाइम में क्या करते हैं लोग, ये फ्यूल को पहले चाहते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट होकर के वो फिर लैंडिंग करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो सिग्नल दे देते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो फिर वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर ब्रिगेड है, वहाँ पर पहुँच जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, जो कुछ भी हुआ वो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्या हेल्प करेगा, हेल्प करेगा ब्लैक बॉक्सेज। तो ब्लैक बॉक्सेज जो होते हैं, हर एयरक्राफ्ट में दो होते हैं, ऑरेंज मेटालिक बॉक्सेज होते हैं, एक जो होता है वो फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड करता है, यानी कि किस हाइट में था, किस स्पीड में चल रहा था, टेम्परेचर प्रेशर जो भी, वो रिकॉर्डर होता है एक। और दूसरा जो रिकॉर्डर होता है वो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलट्स और क्रू जो बात कर रहे होते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है। एक्सीडेंट जब भी होता है तो फ्रंट साइड का डैमेज होने का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है, तो कहीं ये खुद डैमेज ना हो जाए ब्लैक बॉक्स, इसलिए ब्लैक बॉक्स टेल साइड में रखा जाता है। तो और ये बहुत ही टफ मटेरियल का बनाया जाता है जो एक्सीडेंट को सर्वाइव कर सके। इसके अलावे वो 30 डेज तक अल्ट्रासाउंड इमिट करते रहता है, ताकि अगर वो पानी में अगर बाई चांस गिर जाए तो पता लगाया जा सके वो है कहाँ पे। तो जब कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट का एक्सीडेंट होता है, तो अब सोचिए, आप ऐसे दिमाग लगाइए कि यूरोप से एक फ्लाइट आ रहा हो इंडिया और एक्सीडेंट हो जाए, और एयर इंडिया का ये एयरक्राफ्ट है, तो इंडिया के हिसाब से अगर कॉम्पेंसेशन देंगे यूरोप के लोगों को, तो उन लोगों को लगेगा कि हम लोग को भिखारी समझा हुआ है। तो सारा दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड हो जाए, उसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है,
और ये इसलिए बनाया गया है ताकि सारी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड जो है वो रहे। तो अभी क्या है कि 1,13,100 SDR हर पैसेंजर को मिलता है, मतलब जिसका डेथ हो गया है उसके लिए। तो ये SDR एक करेंसी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, तो वो बैठता है करीब करीब 1.41, तो 100 रुपये के आसपास बैठेगा। तो ये होता है करीब करीब 1 करोड़ 1.19 करोड़। तो ये जो होगा, जो डेथ होगा, उन लोगों को मिलेगा, या बॉडीली इंजरी के लिए। और अगर इंडियन इंडिया का डोमेस्टिक फ्लाइट है तो उसमें फिर सरकार डिसाइड करती है कि कितना मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल फ्लाइट था। जब कभी भी इंडिया में एक्सीडेंट्स होते हैं और आप टीवी देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत लोग ऑरेंज यूनिफॉर्म में काम कर रहे हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? दे कम ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब हो गया, ये BSF के लोग हैं, ये CRPF के लोग हैं, ये ITBP के लोग हैं, ये सशस्त्र सीमा बल के लोग हैं, CISF के लोग हैं, जो लोग 7 साल के डेपुटेशन पे आते हैं NDRF में। उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो कोई बोरवेल में कोई बच्चा गिर गया है उसको निकाल सके, बाढ़ आया हुआ है, प्लेन का एक्सीडेंट है, वहाँ पर हर तरह का ट्रेनिंग जो है इनको दिया जाता है। तो ये बनाया कब गया था NDRF? ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब बना था तब ये फोर्स बना था। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है ये। प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके नीचे NDRF। इसमें अभी 12 बटालियन है। हाँ, लेकिन वो मैनेजमेंट के हिसाब से, लेकिन डिपार्टमेंट जो इसका कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो BSF CRPF का जो है वही इसका भी है। लेपर्ड का पोचिंग होता है, उसके बारे में डेटा कुछ आया हुआ है। ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेडिंग पर नज़र रखती है। इसका कहना है कि जो 747 तेंदुए मारे गए हैं 15 to 19 के बीच में, उसमें 596 जो है उनका पोचिंग हुआ है। अब पोचिंग क्यों होता है? तो ये फिर चाइना वाले फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उसे दवा वगैरह बनता है चाइना में, तो उसका हड्डी वगैरह बेचते हैं। लेकिन अभी एक और भी चीज़ नया सामने आया हुआ है कि लाइव पोचिंग, मतलब कि लेपर्ड के बच्चों का पोचिंग हो रहा है। यानी कि कुछ लोग जरूर इंडिया में है जो लेपर्ड घर में पाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो हम आर्टिकल इसमें डाले हैं, थोड़ा लंबा आर्टिकल जरूर है, आप लोग पढ़िएगा। हम पहले बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन अब पीक कर रहा है और ये पॉपुलेशन गिरेगा। मोस्ट प्रोबेबली 2050 तक ये अपना पीक पर होगा, अगला 30 साल में। उसके बाद पॉपुलेशन गिरेगा। तो अभी ये जो हेल्थ मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिसेज एंड इवेल्यूशन जो है, ये जो डेटा लाया है, ये बोल रहा है कि 2100 में जो पॉपुलेशन होगा, अभी पॉपुलेशन 1.35 बिलियन है, 135 करोड़, जो घट करके 2100 में 1.09 बिलियन हो जाएगा, 109 करोड़। या हो सकता है कि वो 72 करोड़ हो जाए। कब? 2100 तक। तो ये जो है ये प्रोजेक्शन है। इंडियन वुमेन
बाई 2100 तक इंडियन वुमेन जो है उनका जो बर्थ रेट है वो 1.29 हो जाएगा। कहाँ हम लोग को चाहिए 2.1, लेकिन ये 1.29 हो जाएगा। जबकि उस टाइम में, थोड़ा देखिए कैसे चेंज हो रहा है, उस टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स की वुमेन का जो फर्टिलिटी रेट है दैट इट विल बी 1.53 और फ्रांस का जो फर्टिलिटी रेट है 1.78। यानी कि इंडिया इंडियन जो फर्टिलिटी रेट होगा वो यूरोप से और अमेरिका से भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम ये आर्टिकल डाले हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ऐसा बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाओ। बिना कानून के जब ये होने का प्रोजेक्शन है तो ये कानून लाओ, ये बहुत लोग आजकल बात करते आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं 1950s में क्या था TFR, सिक्स चिल्ड्रन इंडिया, आज क्या है 2.2। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ना अब बहुत मुश्किल है। ठीक, 18 स्टेट ऐसे हैं और यूटी मिला करके जिनका TFR पहले से ही 2 से नीचे जा चुका है। ठीक, यानी कुल मिलाकर हाँ बस अभी स्टेट्स और यूटी मिलाकर के हमारे पास है 28 एंड प्लस 3 31। 31 में से 32 में से 18 जो है उनका फर्टिलिटी रेट गिर चुका है। तो कहाँ ज्यादा है, बिहार यूपी में ज्यादा है। तो शुरुआत में 75 से 94 तक, अब बात यह है कि फर्टिलिटी रेट क्यों गिर रहा है, क्या सरकार के कारण गिर रहा है? तो सरकार तो 94 में ही अपना ये सब धंधा छोड़ दी थी जो शुरू में कर रही थी। शुरू में जो वर्कर्स थे, फैमिली प्लानिंग वर्कर्स, उनको टारगेट दिए जाते थे कि इतना लोगों को लाओ जिसका ऑपरेशन करके और ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी करवाना होगा, कंडोम में इतना डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, इतना कॉपर टी वगैरह लगवा लो, ये सारे के सारे टारगेट होते थे 94 में। 94 में एक केरो कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक केरो कॉन्फ्रेंस में के बाद इसको छोड़ दिया गया सब। यानी कि सरकार जो है अब एक्टिवली ये सब काम नहीं कर रही है। हाँ, 94 से पहले तो ज़बरदस्ती भी लोगों को स्टरलाइज करवाया जाता था। हमारा जो इमरजेंसी है वो इस पर बहुत बड़ा धब्बा है, जहाँ पर कि 12 साल के लड़कों से लेकर के 60 साल के बूढ़ों तक का भी नसबंदी कराया गया था। तो खैर, तो ये जो है ये सरकार 94 से अपना छोड़ चुकी है। अब क्या कर रही है सरकार, अब सरकार थोड़ा स्टिक पॉलिसी कभी कभी लाई हुई है। तो जैसे कैसे कि पहला 2 बच्चा तक मैटरनिटी लीव मिलेगा, थर्ड बच्चा से नहीं मिलेगा। एक दूसरा, आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन लड़ना है, तो कई स्टेट में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो। लेकिन लोगों पर कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए बच्चा कम पैदा करेंगे, या फिर मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा तो औरतें जो होंगी वो अगर चाहती हैं बच्चा पैदा करना तो नहीं करेंगी। ये सब नहीं हो रहा है। तो आखिरकार क्वेश्चन इसमें उठाया है कि तो फिर पॉपुलेशन गिर क्यों रहा है, मतलब पॉपुलेशन रेट क्यों गिर रहा है TFR। तो इसका कहना है राइटर का, इट इज एस्पिरेशनल, मतलब कि लोग आजकल जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम हो गया। तो लोग जो है वो जब एग्रीकल्चर करते थे तो वो अक्सर, जैसा इसमें लिखा हुआ है, कि वो लोग अब बच्चों को एक तरह का वर्कफोर्स समझते थे जो काम करेगा। अब खेतों से बाहर निकल के लोग जॉब में जा रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके जो आशाएं हैं वो आशाएं बदल चुकी हैं। यानी कि ये लोग अपने लिए नहीं, जैसा इसमें लिखा हुआ है अमेरिका वगैरह में क्या है, अपने लिए लोग मतलब अपना ज़्यादा मजा कर सके जिंदगी, तो बच्चे कम पैदा करते हैं। यहाँ पे लोग इसलिए बच्चे कम पैदा करते ताकि कम बच्चों को ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आप दे सके एजुकेशन का, ताकि वो बेटर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों पे। तो इस कारण से यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो गिर रहा है। आगे बढ़ते हैं,
ये टॉपिक जो है हम नहीं उठा रहे हैं, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन के रूप में इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी, जिसमें कि सरकार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो जो चेंज कर रही है उसको यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। आपको अच्छा से पता है कि अब इसका नहीं बोल सकते हम कि सरोगेसी में, सरोगेसी के लिए जब लॉ आएगा तभी बोल पाएंगे, सरोगेसी का लॉ तो आया नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो। जब कोई प्रोजेक्ट होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका जो अभी तक जो रूल्स हैं उस रूल्स में सरकार बोल रही हम चेंज करेंगे, तो सरकार को रूल बनाने का अथॉरिटी कहाँ से मिलता है? उसको मिलता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। क्या वो पहले रूल बनाई है? हाँ बनाई है 2006 में। अभी फिर रूल को कुछ रिलैक्स करने जा रही है, तो रिलैक्स करने जा रही है, तो उसमें जो रिलैक्सेशन है उसमें क्या रिलैक्सेशन है वो इस आर्टिकल में आपको मिलेगा। और आपको कुछ एक बतिया दिला देते हैं, पोस्ट फैक्ट अप्रूवल, तो वो भी इसमें है। चूंकि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं तो हम इसको छोड़ रहे हैं। आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखा जाएगा, बात कर लेंगे अगला बार। आप लोग का परसों लेकिन टेस्ट है। आगे बढ़ते हम लोग। एक लैंडस्लाइड हुआ इदुकी में, तो चूंकि डिजास्टर से रिलेटेड हम डाल दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ मेरा खास काम का चीज़ होगा तभी हम समझाएंगे आप लोग। हाँ, अब बात ये है, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मुद्दा हम, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग भी बहुत इंटरेस्टेड हो गए हो कि क्या हुआ, और टीवी देख रहे हो और TRP बढ़ा रहे हो रिपब्लिक टीवी का। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गया। आज तक वाला लोग क्या है, राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए आज तक के पीछे कि आज तक बहुत खराब काम किया है। तो बात ये है कि एक हम अपना बात बता रहे हैं कि ये एक एक मुद्दा को जो मीडिया इस तरह से उछाल दे रही है, जो बड़े मुद्दे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं उन पर वो मीडिया का कोई नज़र नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नज़र नहीं है, कोविड नज़र नहीं है, हेल्थ नज़र नहीं है, सब किसी को एक अफीम चटा दिया गया सुशांत सिंह राजपूत, जिसका हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी था, सुसाइड कर लिया, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन महीनों महीनों एक ही टॉपिक अगर चले तो ये बड़ा, मतलब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हमारी जनता को क्या हो गया है जो एक ही चीज महीना भर से देख रही है। अब अपना काम का मुद्दा छोड़ करके, बड़ा अजीब बात है ये। अच्छा खैर, इसमें फिर इसमें बड़ा मुद्दा पैसा का आ गया है। पैसा कौन खर्च किया, कहाँ खर्च किया, बड़े अजीब मुद्दे। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो किसी का कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और एक दूसरे पर खर्च कर रहा है, तो हमेशा ये डर बना रहना चाहिए उसके मन में कि कल को कुछ हो गया तो ये पैसा का हिसाब हमको देना पड़े जाएगा। मतलब ये बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन। खैर छोड़िए, यहाँ पर मुद्दा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है, इवेंट जहाँ पर हुआ है, ये इवेंट हुआ है मुंबई में। इस आर्टिकल में ये पता चल रहा है कि जहाँ पर इवेंट होते हैं, क्राइम सीन ऑफ क्राइम या इवेंट क्राइम, यहाँ पे तो क्राइम जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो सीन ऑफ इवेंट, वो थाना जो होता है वो FIR करता है और वो जांच करता है। और इंडिया का कोई भी दूसरा, अच्छा 75 दिन हो गया, हम तो महीना भर ही सोच रहे थे, तो दुनिया का कोई भी दूसरा थाना उस केस का FIR नहीं कर सकता और उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी
बिहार में एफआईआर हुआ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, और बिहार की पुलिस मुंबई गई और मुंबई पुलिस बिहार की पुलिस को पकड़ करके क्वारंटाइन कर दी। ठीक, ये मतलब ड्रामा पहला बार हुआ है। तो इसमें बता रहा है कि अगर कोई क्राइम सीन कहीं पे है, हाँ उस पर भी बात कर ही लेंगे हम लोग, क्राइम सीन कहीं पर भी है और एफआईआर कोई कराने जाता दूसरा जगह, तो पिछले कुछ सालों से कुछ रिफॉर्म हुए हैं, उसमें बोला गया है कि जिस थाना में कोई, जैसे जैसे सोचिए कि एकां खगड़िया साइड का ये लड़का है ना, तो ये जो है बिहार में, सोचिए अभी खगड़िया बोल रहे हैं, खगड़िया में थाना में उसके फादर जाते हैं कि मेरा बेटा का सुसाइड हो गया है, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए आप लोगों को जैसा बताएं कि पुलिस वाले बोलेंगे मुंबई जाके करवाइए, मेरा थाना का बात नहीं है, लेकिन इससे तो दौड़ना पड़ जाएगा ना लोगों को। तो रिफॉर्म क्या हुए हैं, 2013 का रिफॉर्म है ये, कि नहीं जिस थाना में भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेन किया जाएगा तो वो थाना लिखेगा, एफआईआर करेगा, उस एफआईआर को हम लोग बोलते हैं, उस एफआईआर को बोलते हैं जीरो एफआईआर, और ये एफआईआर जो होगा वो भेज देगा जहां पर क्राइम का सीन है वहां का पुलिस को, और वो अपने इन्वेस्टिगेशन करेगी। यानी कि दो जगह दो थाने वाले एक ही केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते इंडिया में, लेकिन सीबीआई को सौंपा जा सकता है। आपको पता है ये लोग गए थे और सीबीआई को ये सौंपा, बड़े बड़े केस जो है वो सीबीआई को नहीं सौंपा गया, जस्टिस लोया का केस था ये सीबीआई को नहीं सौंपा गया, और भी आपको मिल जाएगा जो केसेज जो है वो मतलब नहीं स्टेट पुलिस ही जाँच कर लेगी, लेकिन ए सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा पता नहीं कितना बड़ा मुद्दा छुपा हुआ है कि इसको सीबीआई को मिल गया। खैर, तो हम आते हैं उस आपका मुद्दा पर, पहले इधर देख ले, जीरो एफआईआर बता दिए, ये 2013 से प्रैक्टिस चल रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के, ताकि लोगों को दौड़ना, मतलब उसके फादर को फिर वहां न जाना मुंबई कि मेरा बेटा का एफआईआर करो, यहीं से जीरो एफआईआर होकर के वहां पर एफआईआर हो जाए। ये मुद्दा पर तो अगला बार हम बात करते ही करते, जो हम लेकिन हम एक्चुअली दो तीन क्लास पहले ही आपको बोल दिए थे कि सारा का सारा इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो चुका है, अब सिविल सर्विसेज को बर्बाद करने का तैयारी हो रहा है। तो ये जो सुदर्शन टीवी वाला है उसको हम देख लिए थे उस चीज़ को, जो अपना प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तभी हम बोले थे कि अब लास्ट जो है बचा हुआ है इंस्टीट्यूशन, जो कुछ जान है जिसमें, उसको अब ये फाइनली बर्बाद कर देंगे ये लोग। ये जो हिंदू राइट विंग है ये एक एक करके देश का एक एक चीज को बर्बाद कर रहा है, एक एक चीज को बर्बाद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट धीरे धीरे करके आपको पता ही है अपना काम कर ही रहे हैं। इसके अलावे कैग का हाल आप देख ही रहे हैं, गवर्नर तो पहले इनके आने से पहले से ही बदनाम थे, सीबीआई का ड्रामा आप लोग देख ही लिए अगर आप लोगों को याद है तो एक एक करके जो भी इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करने वाले हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, उनको तो ये बर्बाद कर ही रहे। अब क्या है, अब इनका टारगेट आया हुआ है, ये जो सुदर्शन न्यूज पे ये सब दिखा रहा है, ये जो सुदर्शन न्यूज दिखा रहा है, किसी को लगेगा कि वो अपना मन से दिखा रहा है, हम ऐसा नहीं समझते हैं, ये एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, पार्ट प्रोजेक्ट, कि लोगों के मन में पहले जहर भरा जाए। 2014 से मुस्लिमों के खिलाफ में जहर भरा गया, और जहर भरा गया तो फिर लिंचिंग हुए, दंगा हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो ये प्रोजेक्ट है। आप देखिएगा बीच में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी कुछ कुछ बात जो है ये लोग बोलना शुरू, हमको याद आ रहा कि जेटली कभी कभी बीच में बोले थे। तो ये जो है वो पहले क्या होता है कि आप सबसे अच्छा रहेगा कि जेएनयू को देख लीजिए,
जेएनयू को पहले बदनाम करने का एक टारगेट चला, सारा चैनल पर जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, और जब लोग जो है मीडिया के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि मारो मारो इनको, गोली मारो सालों को जो था ऐसा देश के गद्दारों को, तो फिर उसके ऊपर में अटैक किया जाता। आप देखें वो लोग घुस करके वहाँ पर मारपीट भी किए जामिया में, क्योंकि पहले जनता का दिमाग में जहर भरो, फर्स्ट ऑफ ऑल जनता के दिमाग में जहर भर गया, अब इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। तो जेएनयू में जो हमारा वीसी है, वो जेएनयू का वीसी जो है वो राइट विंगर है, पता है सबको, और एक्सट्रीम राइट विंगर है। तो एक एक करके इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं। अब तबाही का अगला कौन तबाह होगा, ये सिविल सर्विसेज को तबाह करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज में अभी तक तो यही चल रहा है कि स्टूडेंट्स द हिंदू पढ़ करके, पेपर द हिंदू पढ़ करके, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है, वो पढ़ेंगे और सिविल सर्विसेज उनका निकलेगा। द हिंदू जो है वो अ बिट लेफ्ट, थोड़ा सा ही सही बट थोड़ा लेफ्ट में है। तो अब क्या है, चूंकि आप लगातार द हिंदू पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लेफ्ट में चले जाएंगे, तो राइट विंगर्स जो होंगे सोचेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन तो ये लोग चला रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग में से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब नॉन कॉम्युनल हैं, आप लोग एसपी बन जाएंगे, गंगा होगा, तो आप लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के बेसिस पे आप चाहेंगे कि ये दंगा जो है इसको हम बिना भेदभाव के हम कुचल दें, किसी को किसी पर हम अत्याचार नहीं करने देंगे। दिमाग तो यही लगेगा अगर आप रियल में सेकुलर है तो। लेकिन ये एजेंडा तो राइट विंगर्स का है नहीं। राइट विंगर्स का तो एजेंडा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो एक पक्ष के लिए काम करे। आप दिल्ली में देख ही रहे हैं ना, आखिरकार दिल्ली में चुन चुन के FIR NTCA वालों को सबको राइटिंग में फंसा दिया। ठीक, जो भी NTCA में के खिलाफ में जो थे वो सब राइट में, वो FIR उनके ऊपर में हो गए। तो ऐसा पुलिस चाहिए, ऐसा प्रशासन चाहिए जो कम्युनल हो। तो कम्युनल तो अभी तो UPSC में कम्युनल लोगों का घुसना थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए, ये मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी जिस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से। तो अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको बदनाम करो कि मुस्लिम्स ज़्यादा घुस जा रहे हैं। अब बिना डेटा के लोग बात करेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितना है अगर देखा जाए, टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन, और टोटल पार्टिसिपेशन ISIPS में कितना है, आपको निश्चित तौर पे पॉपुलेशन से कम ही दिखेगा एकदम, इसमें कोई शक नहीं। आप डेटा अगर कहीं से जुगाड़ होगा तो आप देख लीजिएगा, वो निश्चित तौर पे कम होगा। लेकिन ये डेटा वाले लोग तो ये प्रोग्राम देखते नहीं है। तो मेरे पास आज से 6 महीना पहले ही हमको एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था जिसमें वो यही बात को उठाया गया था। तो ये काफ़ी दिन से प्रोजेक्ट चल रहा है, हम 6 महीना पुराना मेरे पास आ चुका है ये, कि इस्लामिक स्टडीज एक सब्जेक्ट है ये UPSC में, और उसको ले लेके मुस्लिम स्टूडेंट जो हैं वो IAS बन जा रहे हैं, और इस्लामिक स्टडीज है तो हिंदू स्टडीज क्यों नहीं है। रियलिटी में इस्लामिक स्टडीज नाम का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं UPSC में। लैंग्वेज है उर्दू, तो उर्दू है तो संस्कृत भी है, पाली भी है। तो ये जो है, लेकिन बात ये है, आप इतना सारा आर्गूमेंट जो है किसी से आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये जहर भरने का प्रोग्राम अब शुरू हो गया है सिविल सर्विसेज के अगेंस्ट में, ताकि लोग ही डिमांड करें कि हाँ हाँ इसमें चेंजेज करो, इसमें चेंजेज करो, सरकार को मौका लग जाए कि इसमें कुछ ऐसा चेंज कर दे ताकि जो न्यूट्रल लोग हैं इसमें घुस न सके। इसके पहले भी सरकार एक कोशिश कर चुकी है, यही सरकार जो बोल रही थी कि अभी क्या होता है, आप लोग UPSC के एग्जाम में जितना मार्क्स लाएंगे मेरिट बन जाएगा और उसी मेरिट से आप लोगों को सर्विसेज एलोकेट होंगे। सरकार बोली नहीं, UPSC में आप चाहे कितना भी मार्क्स लाए, आप ट्रेनिंग के दौरान में आप कितना मार्क्स लाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैडर कौन सा मिलेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान के हिसाब से अगर कैडर मिले तो फिर आप UPSC के एग्जाम कितना ही मार्क्स लाइए, वो तो सरकार चलाती है ना इंस्टीट्यूट, तो वहां पर आपको चुन लिया जाएगा कि कौन हमारा पक्ष का है। कोई भी सरकार रहे लेकिन हमारा पक्ष में काम करेगा जो कॉम्युनल होगा,
ठीक, तो वो क्या होगा, वहां पे सरकार उसको अच्छा मार्किंग करके और उसको ऊपर पहुंचा देगा आईएएस आईपीएस, और यहाँ पे अच्छा पढ़ने वाला जो है वो पीछे हो जाएगा। तो सरकार पहले से ही टटोलना शुरू कर दिया है, और ये प्रोजेक्ट को हम आइसोलेशन में नहीं देखते कि ये एक आया सुदर्शन न्यूज़ला और ये बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये शुरुआत किए, अब पीछे पीछे रिपब्लिक टीवी कूदेगा, पीछे पीछे इंडिया टीवी कूदेगा, और उसके बाद जो होगा ये लोगों के दिमाग में जैसे जेएनयू के खिलाफ में जहर भरा गया, वैसे ये भी इसमें भी भरा जाएगा और इसको बर्बाद करना शुरू हो जाएगा। खैर, जब तक सुरक्षित है तब तक मेहनत करके पढ़ लीजिए, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राहत इंदौरी का डेथ हो गया। बहुत ही निडर टाइप के पोएट थे, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रिकेट का मैच होता है ना, उसमें अंडर 16, अंडर 18 ऐसे करके मैचेज होते हैं। तो जो मैचेज होते हैं, इस मैचेज में कई बार जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपना एज को छुपा देते हैं, यानी हैं बड़े लेकिन छोटा बन के खेलते हैं। तो बीसीसीआई क्या की है, वो एक वॉलेंटरी डिस्क्लोजर लाई है, जिसमें कि जो प्लेयर्स अभी अपना एज को छुपा करके कुछ कुछ कर रहे थे, वो सही एज बता के तो उनको बैन नहीं किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, एज वेरिफिकेशन टेस्ट भी जो है वो करवाया जाएगा। तो एज वेरिफिकेशन टेस्ट के बारे में कुछ निकला हुआ है वो हम बता दे रहे हैं। लड़कों का 17 साल का एज तक और लड़कियों का 15 साल तक एज जो है साइंस डिटरमाइन कर सकता है। इसके बाद 17 ईयर्स क्रॉस कर गए लड़के, अब उनका एज नहीं पता चलेगा। 15 ईयर्स लड़कियाँ क्रॉस कर गई तो फिर एज का नहीं पता चलेगा, और कोई भी प्रोसेस जो है 100% एक्यूरेट नहीं है, 1 साल का मार्जिन रहता है। टेस्ट क्या है, टैनर व्हाइट हाउस 3 टेस्ट है। टेस्ट में करते क्या है कि हड्डियों का फ्यूजन गिनते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो करीब करीब 300 हड्डियाँ होती है, वो धीरे धीरे जो हड्डियाँ होती है वो फ्यूज करती हैं। तो कितना हड्डी फ्यूज कर गया है वो बताता है कि क्या एज हो गया है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें रिस्ट का एक्सरे करेंगे और वहां पे देखेंगे जो बोन्स हैं वो कितने फ्यूज किए हुए हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग टैनर व्हाइट हाउस टेस्ट। तो जब पूरा सारी की सारी हड्डियां जो फ्यूज कर जाती है वो फ्यूज कर जाए तो फिर उसका हाइट नहीं बढ़ता। तो ये बता ही दिए, 17 फॉर बॉयज एंड 15 फॉर गर्ल्स। तो इसमें 13 बोन्स को इवेल्युएट करते हैं रिस्ट का एक्सरे करके। हड्डियां वही, एक्सरे वही होगा, हड्डियां वही रहेंगी, लेकिन मार्किंग जो होगा वो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग होता है एज डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन बोले एरर के चांसेस रहते हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स में भी ये एरर दिखते हैं। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि खाना पीना कैसा है, न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करता है। एमआरआई से भी सेम काम कर सकते हैं, लेकिन एमआरआई से केवल ये पता चलता है कि 17 से ज्यादा है या 17 से कम है, एज नहीं पता चलेगा। लेकिन TW3 टेस्ट में एज पता चलेगा। इसके अलावे हो सकता है एक एनालिसिस, उसको बोलते हैं टेलोमियर का एनालिसिस। टेलोमियर क्या है, टेलोमियर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस क्रोमोसोम के ऊपर में कैप होता है। तो ये कैप होता है, ये कैप जो होता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ये कैप जो होता है ये छोटा होता चला जाता है। तो इसका साइज को एस्टिमेट करके
और बताया जा सकता है कितना एज है, लेकिन ये जो मेथड है ये मेथड अभी तक परफेक्शन इसमें नहीं आया क्योंकि डेटा कम है। ज़्यादातर जो एनालिसिस हुए हैं 30, 35 और 40 का एज ग्रुप पर एनालिसिस हुआ है, तो बच्चों का अभी तक टेलोमियर का लेंथ से बताना मुश्किल है कि ये बच्चा कितना बड़ा है। तो इंडिया में क्यों ऐसा फजिंग है, ऐसा मतलब एज जो है वो गड़बड़ होता है? कारण ये है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों का जो जन्म हॉस्पिटल में नहीं होता है, घरों में होता है। घरों में होता है वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल वाले जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वो बच्चों को देख करके, बच्चे लेट से आते हैं स्कूल और वो किस एज ग्रुप को वहाँ रखते हैं उस हिसाब से एक सर्टिफिकेट जो है वो एंट्री कर लेते हैं कि बच्चा का एज कितना है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा एक और भी रीज़न है, फॉरेन कंट्री में जब किसी बच्चा का एडमिशन कराया जाता है, यूरोप में या कहीं अमेरिका वगैरह में, तो वो यहाँ पे कितना मार्क्स लाया है स्कूल्स में वो ही केवल मैटर नहीं करता, इसके अलावा ये भी मैटर करता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चा कैसा है, ये मैटर करता है यूरोप कंट्री में। तो यहाँ के कुछ पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा होने देते हैं फिर स्कूल में जाने देते हैं एज कम करा के, ताकि वो बच्चा कंपटीशन जब हो तो वो बच्चा बाकी बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस करता रहे क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है और उसका एडवांटेज उसको यूरोप में मिलेगा, तो इसलिए भी यहाँ के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूंकि लोग आजकल जोमेटो से और स्विगी से खाना नहीं मंगा रहे हैं, लोग घरों में ही खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो घर में लोग जो ऑयल यूज करते हैं और जो रेस्टोरेंट्स में होता है वो दोनों में फ़र्क है। रेस्टोरेंट जो ज़्यादा पाम ऑयल यूज करते हैं और घरों में लोग मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट, बादाम का तेल, ग्राउंडनट ऑयल जो है उसको यूज करते हैं। तो इस कारण से अभी सोयाबीन, सनफ्लावर या मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट और सेसम ऑयल का जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ गया है, जबकि पाम ऑयल का डिमांड जो है वो गिर गया है। और ख़ास करके इसमें में ग्राउंडनट ऑयल का डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ा है और इस कारण से प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद दाम भी नहीं कम हुआ है। और हम ये जो है ग्राउंडनट ऑयल का हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, पाम ऑयल का तो हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन ग्राउंडनट ऑयल का हम एक्सपोर्ट करते हैं और मेन इसमें प्रोडक्शन जो होता है गुजरात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस न्यूज, ज़्यादा न्यूज नहीं है, दो तीन ही न्यूज है और ज़्यादा हम कवर करेंगे नहीं। GST आप लोग को बता चुके हैं, अभी हमारे जो फिनांस मिनिस्टर है वो अगला वीक में आएंगे लेकर के न्यूज, इसको बोलेगी एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि बोली है स्टेट्स को कि आप लोगों को हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप जो कंपेंसेशन देना था आप लोग अपना RBI से लोन ले लीजिए क्योंकि ये भगवान का किया धरा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खैर वो मुद्दा अगला बार आएगा, भगवान का किया धरा है कि नहीं है, लेकिन बाकी डिटेल्स इसमें है। तो GST जो है आप लोगों को याद होगा 2017 में शुरू हुआ था, ये सब बातें तो पहले ही कर चुके हैं। GST लाने के लिए 7th शेड्यूल में चेंजेस करने थे और 7th शेड्यूल में अगर चेंजेस करने होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चाहिए, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही साथ। अच्छा चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत देर हम बोल दिए, आप लोग बताइए कि 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? अगर बाई चांस आप लोग सो सो के देख रहे थे तो उठ करके टाइपिंग करना शुरू कीजिए। तो बोल रहे हैं कि 7th शेड्यूल का अमेंडमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है?
अच्छा बोलते हैं ठीक है, सुजाता और सूरज का सही है आंसर, बाकी लोग थोड़ा भूल गए थे। अच्छा हम क्वेश्चन पूछ लिए, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है उसके लिए केवल स्पेशल मेजोरिटी से काम नहीं चलता, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट के साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों का सहमति का जरूरत पड़ता है। ठीक, केवल स्पेशल मेजोरिटी से नहीं चलेगा, स्पेशल मेजोरिटी एंड कंकरेंस ऑफ एट लीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को टच किया जा रहा है। ठीक, तो अमेंडमेंट के बारे हम बता ही दिए, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, अगर कुछ खास बात हो तो भी बोलेंगे। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहां पे सामान बिकेगा वहां पर टैक्स टैक्स लगेगा। ठीक, डेस्टिनेशन बेस्ड है। देखिए एक्साइज ड्यूटी जो होता है, एक्साइज ड्यूटी उत्पाद कर, ये जहां पर सामान बनता है वहां पे टैक्स लिया जाता है, लेकिन जीएसटी जहां पे बिकता है वहां पे टैक्स लिया जाता है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि जो स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अगर उस स्टेट में नहीं बिक रहा तो ये लॉस है उसका। इसीलिए गुजरात वगैरह जो थे, तमिलनाडु गुजरात जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, ये लोग विरोध किए थे जीएसटी का कि हम लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी जब लगेगा तो हमारा कोई भी जो टैक्स हम हमको लेना है, हालांकि एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल का था, तो हमारा जो होगा इसमें, उस समय एक चलता था सीएसटी, तो वो सीएसटी जो था उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट था उनको पैसा मिलता था, लेकिन जीएसटी में तो ये मिलता नहीं था। तो ये नाराज़ हो गए वो लोग, तो उनको नाराज़गी को दूर करने के लिए 14% जो है वो बोला गया कि तुम लोगों को कंपेंसेशन देंगे, ये मान जाओ। तो 14% कंपेंसेशन का बात हुआ था, क्यों, क्योंकि राज्य सरकार बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, और रिस्क अभी देखा जाए तो अभी रिस्क सामने आ गया है। राज्य सरकारों का जो इनकम का सोर्स था वो सारा का सारा लगभग खत्म हो गया, ये जीएसटी रह गया। अब उनको इनकम का सोर्स क्या है, दारू, पेट्रोल, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ा देंगे या फ्यूल का तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दारू कई स्टेट में, बिहार में तो और गुजरात में दारू का बात ही नहीं, तो इनका इनको लॉसेज है इसमें। तो हाँ, तो उनको डर था कि ये जो होगा सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा, हम अपने मर्जी से टैक्स नहीं ले पाएंगे, हमको नुकसान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली चिंता मत करो, 14% तो एश्योर्ड है रेवेन्यू ऑफ 15-16 का। तो 15-16 का रेवेन्यू से एश्योरेंस दिया गया, 17 में लागू हुआ जुलाई से, तो बोला गया कि आप लोगों को 22 तक का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 22 तक का प्रोटेक्शन कब तक का, जून तक का, क्योंकि जुलाई से लगा था, 22 तक का प्रोटेक्शन इन लोगों को मिला था। लेकिन अभी सरकार बोल रही है कि एक्ट ऑफ गॉड है, नहीं दे पाएंगे। खैर वो हम, वो अभी का मुद्दा नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या और इसमें है। नहीं नहीं मोदी जी के रहते हुए कोई गॉड हो सकता है क्या दूसरा? ये ऐसा ऐसा असंभव है, वो मोदी जी को गॉड बोल सकते हैं वाले, अपने इतना हिम्मत अभी बीजेपी में किसी को नहीं है कि उनके रहते अपने आप को गॉड बोल सके। आजकल हमारे प्रधानमंत्री ये
इसमें तो अभिषेक ऐसा नहीं है, नुकसान सबको है। ये ऐसा थोड़े, गुजरात बहुत अच्छा पोजीशन में है इसमें, और डिपेंडेंस उसका नहीं है, और जीएसटी उसको नहीं मिला तो उसका काम चल जाएगा। वो मुंह इसलिए नहीं खोल पाएगा क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले बोलेंगे थोड़े। वहां पर बोला ऐसा बोलते हैं ना कि कांग्रेस में एक फैमिली का शासन है, सोनिया गांधी सब है, राहुल गांधी सब है, तो वहां पे तो बीच में फिर भी लोग मुंह खोल देते हैं। बीजेपी में तो ऐसा ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है कि आप सुन ही नहीं सकते कि कोई मुंह खोला, तो वो बोलेंगे नहीं केवल। हाँ, तो प्रधानमंत्री हमारे जो है वो भगवान है, और आजकल वो रविन्द्रनाथ टैगोर बन बन रहे हैं। ये बहुत पहले, 2 महीना पहले ही कहीं से हमको कोई टिप दिया था कि वो रविन्द्र टैगोर बन रहे हैं। बंगाल इलेक्शन आते आते वो पूरा का पूरा रविन्द्र टैगोर बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो सेस लगता है कहाँ, पान मसाला पे, सिगरेट पे, टोबैको पे, एरेटेड वाटर, कैफिनेटेड बेवरेजेज, इसमें सेस लगता है, कोल और कुछ जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उन पे लगता है। अब बात यह है कि पैसा जो है वो तो आ नहीं रहा है। देखिए, परेशानी तो है ही है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बात है कि कमिटमेंट वाला भी एक बात है। तो ये खैर कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है, जिसे हम बताया है, कॉम्प्रोमाइज ये हो सकता है कि राज्यों को सूरज, ये सब आसान नहीं है, वैसे आसान नहीं है, इसके लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस। आपको पता है इसमें बेसिक फीचर का मुद्दा उठ जाएगा, उतना मेजोरिटी होना चाहिए, उतना स्टेट्स का सपोर्ट होना चाहिए। वो ऐसा तभी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो इतना बड़ा सपोर्ट ले ले। इतना आसान तो नहीं है, बीजेपी का इतना होने के बावजूद भी राज्यसभा में मेजोरिटी के लिए के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो स्कीम शुरू है निमेश, अभी तो शुरुआत ही है। हाँ, लेकिन वो सारे स्टेट तो बेचे ही, पैसा पैसा लेने के लिए ही तो बेचे पैसा कहीं से। उस समय जीएसटी का जो कॉम्पेंसेशन था, वो कॉम्पेंसेशन भी नहीं आया था उनके पास में, तो इसीलिए रिस्क लेकर के भी खोलना पड़ा उनको। पैसा तो था ही नहीं उनके पास, लेकिन बिहार में थोड़े खोला। बिहार में तो नीतीश कुमार का वो बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम नहीं खोलेंगे उसको। अच्छा, आगे बात करें हम लोग। हाँ, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो सरचार्ज देना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हो सकता है देखते हैं। कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए कि 5 साल, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स तक कंपेंसेट किया जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए और अमेंड करके और उसको 3 साल कर दिया जाए। लेकिन अमेंड करना पड़ेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आर्टिकल को, तो फिर वही प्रोसेस, फेडरल स्ट्रक्चर और वो सारा का सारा फिर झमेला है उसमें। मतलब कि ये नहीं हो पाएगा, स्टेट जो होगा वो एग्री नहीं करेंगे। दूसरी बात, और क्या हो सकता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा दे दे। वो तो सेस में पैसा नहीं आ रहा है ना, इसलिए नहीं दे पा रही है, तो अपना पैसा कहीं से दे दे। लेकिन अपना पैसा है कहाँ, बातें भी है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि सेंटर जो है वो उधार ले ले। और जो सेस का बात था कि सेस लगेगा 2022 तक, उसको 25 तक लगा दे, और वो 25 तक में जितना कलेक्शन हो उससे ये जो जो डेप्ट
लेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसको चुका दे, यही पॉसिबिलिटी है। या फिर राज्य को मनाए कि 14% जो है ये बहुत ज़्यादा है, कम कर दो, 10% कर दो, ये भी हो सकता है अगर अगर काउंसिल, जीएसटी काउंसिल मान जाए तो। अब बाकी जो है ये जीएसटी में वैट खत्म हो गया था, स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, सेल्स टैक्स खत्म हो गया, स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स से खत्म हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का गया सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को का फिनेंशियल पोजीशन, आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर जो आपको सिविल सर्विस का मुद्दा था ना, उसको थोड़ा सा और उठाते हैं हम। ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरे पास पोस्ट आया था उसमें था कि यूपीएससी में इस्लामिक स्टडीज एक सब्जेक्ट है, उसको लेकर के मुस्लिम्स निकल जाते हैं, ठीक। हालांकि बता दिए उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है ही नहीं। दूसरी बात है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उर्दू लेकर के कम ही निकलते हैं, वो हिस्ट्री और जो भी एंथ्रोपोलॉजी या जो सोशोलॉजी साइकोलॉजी लेके ही निकलते हैं, एक तो एक मुद्दा। तो जो मेरे पास पोस्ट भेजा था, जब उसको हम बताएं कि अरे उर्दू है इस्लामिक स्टडी नहीं है, तो वो फिर बोला कि उर्दू है, तब तो फिर उर्दू लेकर के कोई मुस्लिम स्टूडेंट बैठता होगा तो चेक करने वाला भी मुस्लिम होगा तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे देगा, ये लॉजिक है। तो फिर हम बोले कि अगर यही लॉजिक है तो संस्कृत भी है, तो संस्कृत लेकर के जो पढ़ेगा उसको चेक करने वाला भी कोई पंडित होगा तो वो ज़्यादा मार्क्स दे देगा। सांथाली है, सांथाली जो देगा वो आदिवासी होगा, चेक करने आदिवासी होगा, ज़्यादा मार्क्स दे देगा, तो ये कोई अंत है क्या? तो ये सब देखिएगा, ये प्रोग्राम आएगा ना तो ये सब प्रोग्राम में मुद्दा उठाएगा ये लोग, लेकिन वो काउंटर नहीं करने देगा किसी को, क्योंकि उसको एक दिमाग में लोगों को बैठाना है कि ऐसा है। लोग अपना जो पक्ष का है ना तुरंत सोच लेते हैं कि वो पक्षपात कर देगा और आपका फेवर में पक्षपात होगा, ये जल्दी दिमाग में नहीं आता है। इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बायस, साइकोलॉजी में बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बायस, अपना जो फायदा हो वो मतलब वही हम लोग सोचते हैं। अच्छा, इधर आगे बढ़े हम लोग, उधर हम चल गए, वापस आते हैं। सरकार जो है फिर तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है तो क्या है वो पता नहीं। अब अभी तो फैसला जो है वो एक एक चुन चुन के, सरकार जो जो बोल रही है वहाँ पे फैसला चुन चुन के आ रहा है, तो अब देखा जाए क्या होता है देश का। ये सरकारें जो है बहुत देखे हम, काफ़ी दिन से देख रहे हैं, बहुत खराब से खराब सरकारें आई, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन ये जो इस बार जो हो रहा है ये बड़ा यूनिक है, ये नया एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम इमरजेंसी नहीं देखे हैं, प्रोबेबली वो टाइम खराब रहा होगा, शायद इससे ज़्यादा खराब रहा होगा या ऐसा रहा होगा। सरकार जो अभी लोगों पे ज़बरदस्त नज़र रखी है, पिछला बार हम आपको बताए थे कि शायद बताए थे ना कि AS करके बताए थे आप लोगों को, कहाँ गया, शायद बताए होंगे आप लोगों को कि नया फॉर्म आया इनकम टैक्स में, क्या 28AS नाम है शायद उसका। तो उसमें क्या है कि अगर आप एक साल में अपने अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश अगर डाले हैं तो सरकार आपसे जवाब मांगेगी कि पैसा कहाँ से आया। तो अभी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में इसको सरकार काफ़ी बढ़ा दी है कि आप कौन कौन सा काम करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा, वो काफ़ी बड़ा लिस्ट हो गया है। ये है प्रोग्राम का नाम है द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इसका नाम है। खैर, इसमें क्या है, क्या अगर आप किसी स्कूल में 1 लाख से ज़्यादा का फी देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका होटल का बिल एक साल में 20,000 से ज़्यादा आ गया तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ज्वेलरी खरीद लेते हैं 1 लाख से ज़्यादा का किसी साल, तो आपसे पूछा जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप भरते हैं 50,000 से ज़्यादा, आपसे पूछा जाएगा। इसको छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर पर एनम 1 लाख से ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं 20,000 से ज़्यादा, पूछा जाएगा। डिपॉजिट करते हैं अपना करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा, पूछा जाएगा। अपना सेविंग अकाउंट में 25 लाख से ज़्यादा करते हैं, पूछा जाएगा। फॉरेन ट्रेवल पूछा जाएगा। और जो लोग 30 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है बैंक में, उनसे पूछा जाएगा। अगर 40,000 से ज़्यादा का रेंट दिए हैं, तो पूछा जाएगा। और 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो पूछा जाएगा। बहुत है, मतलब कि यानी कि सीधा सा बात है, सबसे कोई पूछा जाएगा कि आपसे के पास पैसा कहाँ से आया। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई जो, हाँ आरबीआई जो है वो जो रेपो रेट है उसको बिल्कुल उतना ही पर रखिए इस बार, यानी 4%। और 10 लाख करोड़ का लिक्विडिटी जो है मार्केट में इन्फ्यूज करेगी, और लोन रीस्ट्रक्चरिंग को वो अनुमति दी है। तो जो आप लोग नहीं जानते उसके बारे में बात करते हैं। लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? अगर अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें ड्रीम आईएएस का। ड्रीम आईएएस जो है वो लोन लिया है और लोन नहीं दे पा रहा है बैंक को, तो बैंक ड्रीम आईएएस से बात करके और उसका रीस्ट्रक्चरिंग कर सकती है। क्या रीस्ट्रक्चरिंग? 5 ईयर्स के लिए लोन लिए थे तो बोल सकते हैं ठीक है तुम 7 ईयर्स के 7 ईयर्स में दे देना, 5 ईयर्स में तुमसे नहीं हो पा रहा है तो इंटरेस्ट भी तेरा थोड़ा कम कर दे रहा है। इस तरह का एक्टिविटी अगर होता है तो इसको बोलते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग। तो आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बात की है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का, और बोल रही है कि हम 10 लाख करोड़ रुपये लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज करेंगे। और क्या वो अपना एकोमोडेटिव स्टांस को बनाए रखी है, यानी क्या, यानी कि लोगों को बोल रही उम्मीद कीजिए कि फ्यूचर में हम रेपो रेट को और गिराएंगे। अगर ऐसा बोलती है तो इसको बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टांस। जब बोलती है कि हॉकिश स्टांस ले लिए है, तो वो बोलती है कि उम्मीद रखिए कि फ्यूचर में रेपो रेट जो होगा वो बढ़ेगा, एकोमोडेटिव स्टांस गिरेगा। तो वो अभी एकोमोडेटिव में लोगों को भरोसा दे के रखी है कि उम्मीद कीजिए कि गिरेगा। फिर क्या है, ये CPI क्यों नहीं कम की रेपो रेट को, जबकि लोग उम्मीद कर रहे रेपो रेट को कम करेगी? क्यों कम करेगी? मार्केट में पैसा जाएगा, ज़्यादा बिजनेस होंगे, तो क्योंकि अभी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है 6.09। तो आप लोग बताइए कि इन्फ्लेशन अगर कितना से कम होता तो रेपो रेट शायद कम हो जाता। इन्फ्लेशन कितना से कम होता तो? ठीक, अगर 6, लेकिन ये 6 क्रॉस कर गया, अगर 6 क्रॉस कर गया तो फिर आरबीआई रेपो रेट को नहीं कम करेगी, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा और लोग ज़्यादा सामान के पीछे भागेंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। लिक्विडिटी कैसे देगी? लिक्विडिटी 10,000 करोड़ कैसे? नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को वो पैसा देगी 5,000 करोड़ ईच। किसको देगी?
नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को। किस रेट में देगी? पॉलिसी रेट में देगी। ठीक, पॉलिसी रेपो रेट में देगी, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को देगी। क्या होगा इससे आप बताइए, आप लोग बताइए। तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक को पैसा देगी और नाबार्ड को पैसा देगी तो क्या हो जाएगा? आरबीआई बोल रहे हम पैसा देंगे नेशनल हाउसिंग बैंक को और नाबार्ड को, आप लोग बताइए क्या होगा? अच्छा, हम भी बोल रहे हैं नेशनल हाउसिंग बैंक को देगी अगर, तो ये क्या है, रीफिनांस करते हैं। रीफिनांस का मतलब है कि बैंक्स जो होंगे वो बैंक, देखिए आरबीआई दे रही है किसको? नेशनल हाउसिंग बैंक को। अब नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करेगी पैसा का? उन लोगों को देगी जो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट को फिनांस करते हैं। कौन? दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ठीक, या कोई भी HDFC, कोई भी हो, जो हाउसिंग फिनांस कंपनियां हैं वो हाउसिंग फिनांस कंपनियां यहां से लोन लेके जा पाएंगी। आरबीआई इनको दे दे रही है, ये रीफिनांस करेंगे। ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस से पूछेंगे तुम कितना लोन दिया हाउसिंग में, वो बताएंगे 1000 करोड़, तो लो मेरे से ले लो, क्यों? मेरे पास पैसा है। कौन दिया है? आरबीआई दी है। अब ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो होगी दीवान फाइनेंस को किस रेट में देगी? 5% 6%, क्योंकि वो 4% ला रही है। नाबार्ड, नाबार्ड भी रीफिनांस करेगी, नाबार्ड का पैसा आ गया 4% में, तो ये क्या करेगी? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन है, ट्रैक्टर का लोन है या कोई भी और लोन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, रूरल सेक्टर से रिलेटेड है, तो बैंक दे देगी लोन ट्रैक्टर के लिए, और उसके बाद नाबार्ड के पास जाएगी कि लोन हम दिए हैं ट्रैक्टर के लिए, हमको दे दीजिए पैसा इतना, तो वो पैसा जो होगा किसान को जाएगा हो सके 8% में। ठीक, तो नाबार्ड बैंक को कितना में दे देगी? 6% में दे देगी। नाबार्ड को कितना में मिला? 4% में मिला। तो इस तरह से मार्केट में पैसा जाएगा, हाउसिंग सेक्टर में भी जाएगा और किसानों के पास भी जाएगा। अब जैसे हम बताए ना रीस्ट्रक्चरिंग होगा, तो रीस्ट्रक्चरिंग होगा तो उसके कई सारे कई सारे ऐसे सेफ गार्ड्स लिए गए हैं कि वो पैसा डूब ना जाए बैंकों का। तो जैसे क्या वो दिखाते हैं, रेटिंग एजेंसी जो होगी, सोचिए ड्रीम आईएएस पैसा ले लिया, एसबीआई से ले लिया, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वो अगर एसबीआई बोलती है आपका लोन हम रीस्ट्रक्चर करेंगे तो मेरा रेटिंग एजेंसी मेरा रेटिंग करेंगी, वो रेटिंग के हिसाब से होगा और रेटिंग होगा, और उसके बाद एसबीआई क्यों मेरा लोन रिस्ट्रक्चर किए उसके लिए केवी कामत कमेटी होगी, वो देखेगी कि क्यों की, और वो अप्रूव करेगी, तभी ये बात हो पाएगा। और इसके अलावे मेरा जितना पैसा बाकी है एसबीआई को, हम जितना पैसा नहीं दिए हैं, सोचिए आपकी 10 लाख हम नहीं दिए हैं और उसको रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो आरबीआई लिख लेगी अपना खाता में मेरा 1 लाख रुपया लॉस हो गया है 10% एज प्रोविजनिंग, कि पैसा डूबने का खतरा भी है यहाँ पे, तो 10% प्रोविजनिंग भी करेगी। ठीक, हम क्या बात कर रहे हैं, पढ़ा ये रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा रहे हैं कि लोन का इस मॉनेटरी पॉलिसी में लोन का रीस्ट्रक्चरिंग करने का आरबीआई बैंकों को परमिशन दी है कि रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए। क्यों? अच्छा आप लोग बताइए तो ये आरबीआई क्यों बोल रही है
कि लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, बैंकों को बोल रही है कि लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, क्यों, जरूरत ही क्या है? पहला बात ये है, इसको भी आंसर करना पड़ेगा कि कोविड के टाइम में स्ट्रेस है सबके पास, सब मतलब जो भी बिजनेस है ना वो बिजनेस उतना अर्न नहीं कर रहा है जिस बेसिस पे लोन ले लिए थे, वो बेसिस जो है वो बेसिस वो खत्म हो गया है, वो इनकम जनरेशन कम हो गया है। तो ऐसे हालत में रिलीफ देने के लिए, अगर सोचिए जैसे ड्रीम, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा, अगर SBI मेरे पीछे ही पड़ जाए कि लोन दो, लोन रिटर्न करो, तो हम नहीं दे पाएंगे, तो हमको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और NPA जो लिखाता हो तो नहीं लिखाएगा, ये तो है ही है। तो यहाँ पे जो एक्ट ऑफ गॉड याद कर लीजिए, वो जो है उसके कारण में जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसके लिए की है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पैसा डुबा दें। इसलिए कई सारे प्रोसेस है, रेटिंग एजेंसी, फिर उसका वैलिडेशन, फिर है उसमें प्रोविजनिंग की, जैसे मानो पैसा डूब गया है, ठीक। तो लेकिन अगर कोई, अगर हम पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिए हैं, कार लोन लिए हुए हैं, तो इसके लिए कोई भी वो सब करने का ना रेटिंग का जरूरत है, ना वैलिडेशन का जरूरत है, ये सब कोई भी जरूरत नहीं होगा, ठीक। वो कॉरपोरेट लोन में होगा और इंडिविजुअल लोन में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं क्लास, परसों टेस्ट है आप लोगों का, कल हम लोग सुलेखा में स्वदेशी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और परसों टेस्ट है। अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों को पूरा जो सीट है ये तो भेज ही रहे हैं, पूरा सीट इकट्ठा भी भेज दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है हम क्वेश्चन 15 के जगह में 20 भी डाल दें। किसी को कुछ पूछना है?